नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हम लोग को जो पौधा लगाते हैं काफ़ी सारे विटामिन देते हैं, खाना देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं सारे, और पौधे ये इस तरह से जो देखिए गुलमेहंदी के पौधे काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाते हैं और देखने काफ़ी हार्डी प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है। इधर देखिए ये भी सारे कुछ प्लांट्स है और इसमें फूल नहीं आते। मुश्किल ये है कि फूल नहीं आते, ये देखिए काफ़ी सारे है। और अक्सर लोग मुझे कंप्लेन करते रहते हैं कि सर ये पौधे तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर गए लेकिन फूल नहीं आ रहे। अगर फूल नहीं आ रहे तो मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ये दो तरीका अपनाइए, आपको गारंटेड है कि आपके फूल आएंगे ही आएंगे। अगर पौधा मैच्योर हो गया है, काफ़ी न्यूट्रिशन आपके पौधे में होता है, विशेष करके बरसात के दिन में क्या होता है, जो पानी बरसात का पानी गिरता रहता है, बारिश का पानी, उसमें काफ़ी सारा नाइट्रोजन होता है और उसके लिए क्या प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी आइडियल होता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि लगातार जब बारिश पड़ती रहती है तो पानी से जो लीचिंग हो गई, जो पोटासियम वगैरह है, जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फूल खिलाने के लिए, कलियां आने के लिए, वो सारे लीचिंग होकर बाहर आ जाती है। तो वो अगर आप सप्लीमेंट दे दें, दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप दे दें तो आपको गारंटेड फूल आएंगे। पहला चीज़ ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास अगर नहीं है तो इस तरह के एग्रोमीन गोल्ड नाम के यहाँ पर आता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई भी नाम के आ सकता है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस तरह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ है। इसमें आयरन है, इसमें जिंक है, विशेषकर जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर है, बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलिब्डेनम, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इस तरह का आपको मिल जाते हैं। हमारे यहाँ एग्रोमीन गोल्ड नाम से आते हैं, आपके यहाँ कोई भी नाम से आ सकते हैं, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप इसको लीजिए। लेके आप दो तरह से ले सकते हैं, या बेसिकली ये फोलियर स्प्रे है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे फसल के बारे में ये फूल लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको एक से डेढ़ एम एल आप नापेंगे कैसे, इस तरह से आप ड्रॉपर ले लीजिए। ड्रॉपर लेने के बाद ये देखिए एक लीटर पानी हमारे यहाँ ले रहे हैं हम, एक लीटर पानी लेने के बाद 20 या 30 ड्रॉप इसमें आप दे लीजिए, करीब 20 ड्रॉप में होता है 1 ml, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं करीब 10-15 ले हमारे यहाँ ले लिया, और 1 से 2 ml आप इसमें डालिए और डालने के बाद आप अच्छी तरह से सेक कीजिए। सेक करने के बाद जो भी पौधा है उसमें क्या करिए, आप हर 7 दिन में, आप हर हफ्ते एक बार करके आप इसको स्प्रे कर दीजिए, फूलियर स्प्रे कर दीजिए हर एक पौधे में, जहाँ पर भी आपके लगता है कि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे देंगे तो आपके पौधे में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो जाएगी, इसमें कलियाँ आनी शुरू हो जाएगी। और मैं भी इसका प्रयोग करने वाला हूँ, और देखिए पिछले टाइम मैंने प्रयोग किया था यहाँ पर, ये पौधे में फूल नहीं आ रहे थे बिल्कुल, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें फूल आने लग गए, मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए इसमें फूल आने लग गए हैं, ये गुलमेहंदी के फूल हैं, और भी उधर भी काफ़ी सारे फूल हैं, जहाँ पर मैंने स्प्रे किया वहाँ पर इसके फूल का एक्सपेरिमेंट है। अगर आप चाहें तो इसका जो लिक्विड है, आप इसका लिक्विड को थोड़ा सा ज़मीन में जो मिट्टी है, मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, आप थोड़ा डाल दें जहाँ पर भी आपको फूल देना। ये हफ्ते में एक बार आप कर लेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे देंगे तो आपको जो कलियाँ हैं, कलियाँ आने में बहुत सुविधा होगा। अगर आपके पास उसके बाद भी अगर कलियाँ नहीं आ रही है तो एक चीज़ है, ये है म्यूरेट ऑफ पोटास, इस तरह के सॉल्ट आ जाता है। अगर इस तरह के आप पैकेट लेंगे, करीब ये 5 या 10 रुपये में इस तरह की पैकेट आ जाती है, करीब 100 ग्राम 200 ग्राम की पैकेट म्यूरेट ऑफ पोटास की, 10 रुपये में आपको करीब 200 ग्राम मिल जाता है। और ये पोटास आपको दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर, ये करीब 3 लीटर पानी है, तो मैं 5 से 6 ml इसमें पानी में डाल देता हूँ, ये आप डालिए। इसमें डालने के बाद ये घुलनशील है, इसको आप अच्छी तरह से सेक कर लीजिए 2-3 मिनट। सेक करने के बाद आप ये पौधे के ऊपर स्नान करा दें, ये हो गया म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटासियम, इस तरह से आप स्प्रे करा दें, और चाहें तो आप पानी में भी डाल सकते हैं। इस तरह से पानी में अगर डाल देंगे आप, इसमें क्या होगा, काफ़ी सारे जो पौधे में जो पोटास की कमी है, पोटासियम की जो कमी है, जिसके कारण ये फूल या कलियाँ नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी ये अगर आप देंगे तो। अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहें तो और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के आप वर्मिंग कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले लें, करीब 1 किलो करीब आप वर्मिंग कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले लें, और 1 चम्मच भर आप डाल लें इसमें पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद क्या करें आप, जो जो पौधा में डालना है, एक एक मुट्ठी या दो दो मुट्ठी, या कि मान लीजिए यहाँ पर है, हमने यहाँ पर पौधा लगा रखा है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा चाहे तो गुड़ाई कर लीजिए,
गुड़ाई करने के बाद ये जो पोटास मिश्रित जो खाद है ये आप डाल दीजिए, आप इसमें पानी डाल देना। तो इस तरह से आप अगर कोई भी पौधे में अगर आप फूल नहीं आ रहे तो आप ये दो तरीका अप्लाई करके देखिए। इस तरह से ये देखिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसमें जहाँ भी फूल नहीं आ रहे आप ये पोटास मिक्स जो है खाद ये आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप देखेंगे रिजल्ट गारंटी के साथ मैजिक जैसे रिजल्ट आपका आएगा इस तरह से। और जहाँ जहाँ भी आप डालें इस तरह से आप वहाँ पर थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, गुड़ाई करने के बाद और थोड़ा सा पानी डाल दें। तो इस तरह से ये दो तरीका आप अपनाइए। तो ये दो तरीका बताया, एक तो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बताया जो आप आसानी से दे सकते हैं, दूसरा ये पोटास, ये म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास आता है, इस तरह का आप डाल दें और आपको गारंटी के साथ फूल आएंगे। 10 से 15 दिन आप इंतजार करिए, पूरा कलिया में भर जाएगा। तो ये रहा पूरा वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी भाषा में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।